तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है आईएएस में कितने लोग हैं जो हर साल उसके लिए अपीयर करते हैं पांच से छह लाख के आसपास और सीट्स कितनी है वन थाउजेंड तो जिनका हो जाता है उनके बारे में तो सब बात करते हैं जिनका नहीं होता है जिन्होंने पूरी जान लगाई और जिनका नहीं हुआ उनके रिश्ते क्या होता है उनके रिश्तेदार उनकी चिंता करते हैं <laughs> वो वो फिर उनकी चिंता करते हैं हम सब हारने से डरते हैं और मजेदार बात है कि वो डर हमारी हार की वजह बनता है 98 परसेंट केसेस में हारने से क्यों डरते हैं क्योंकि हम जानते हैं अगर हम हारेंगे तो जो पीछे तीन लोग बैठे हैं ना रिश्तेदार रिलेटिव्स और फ्रेंड वो जीने नहीं देंगे आप जब भी आई की तैयारी करें पहला अटेम्प्ट आपका सीरियस अटेम्प्ट होना चाहिए आपने तैयारी किया एंड बेसिक्स तैयार किए आपने एडवांस कोर्स तैयार किया आपने कम से कम मेंस के हजार आंसर्स लिखे हैं और मिनिमम दस हजार प्रिलिम्स के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर चुके हैं तब आप एग्जाम देने जाइए सिर्फ एक अटेम्प्ट दीजिए जिसने भी पहला अटेम्प्ट सीरियस दिया उसको दोबारा तैयारी नहीं करनी पड़ती रिविजन करना पड़ता है भाई आप देखो ना जितने सारे सेलेक्ट लड़के होते तो हैं उसमें बहुत सारे नौकरी कर रहे होते हैं जॉब कर रहे होते हैं कुछ लोग मुझसे पूछते हैं सर जॉब करते वक्त तैयारी हो सकती है नहीं जॉब करते वक्त तैयारी तो नहीं हो सकती जॉब करते वक्त तो रिविजन हो सकता है थ्री आवर्स पर डे फोर आवर्स पर डे तो मेरी एडवाइस ये है क्योंकि ये एक बहुत रिस्की खेल है खेल है ये मैं खुद ही बाहर हुआ और फिर मैं कितने लोगों को देखता हूं जो पांच पांच बाद बाहर होते हैं तो जिनको भी इस गेम में शामिल होना है एक अटेम्प्ट सीरियसली आपका होता है बहुत अच्छा है आपको मैक्सिमम रेस्ट लेना है तो आप दो ले लो उसके बाद आप अपना काम शुरू करो जो आपका सेकेंड लाइन थॉट था कोई लॉयर बनना चाहता है कोई मेडिकल लाइन में जाना चाहता है कोई मतलब जो भी आप एंटरप्रीन्योर बनना चाहते हैं आप करो लेकिन अपने वो रिवीजन वाले फोर आर बचा के रखो आपने कितने अटेम्प दिए थे सर चार चार अटेम्प आपने दिए थे और आपने कहीं से कोचिंग ली थी यानी लाखों रुपए दिए थे कोचिंग में नहीं तब लाखों नहीं थे तब हजारों थे अच्छा हजारों रुपए आपने खर्च करे थे और आप एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से थे तो टोटल चार साल में आपको कितना पैसा लग गया होगा रहना खाना पीना और आपने तो पूरी तैयारी करी होगी साथ में कुछ और नहीं किया होगा, नहीं, कुछ, नहीं थिंक सो। कुछ, नहीं, किया बिल्कुल तो कितना आपका चार साल में अच्छा खासा पैसा छह लाख रुपए लगे पांच छह लाख रुपए उस समय लगे उस समय आज के समय पे अगर किसी को कोचिंग लेनी है तो आई थिंक इससे तीन चार गुना पांच गुना आराम से लगेगा आराम से तो पंद्रह बीस लाख रुपए उस इंसान का लग गया और वो है एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से मिडिल क्लास बैकग्राउंड से अब वो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ना यहाँ करा ना वहां करा चार पाँच साल बाद हाँ वही वही मैंने कहा कि अब आप हमारे समय तो ठीक था अब आप रिस्क पूरा नहीं ले सकते यू हैव टू बी कॉशियस अब इनको कॉशियस होना पड़ेगा कि ठीक है एक जैसे बड़े सारे लड़के क्या करते हैं वो एक दो अटैम्प्ट ऐसे ही देते हैं अब तो इनके पास छः अटैम्प्ट है ओ बी सी हैं तो और ज़्यादा हैं एस सी एस टी हैं तो और ज़्यादा और मैं कहूँगा आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं आप दो अटैम्प्ट से ज़्यादा कभी मत मानिए ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि आइडिय आपको अपने माइंड में ये रखना है कि एक ही अटेम्प्ट है मेरे पास में मैक्सिमम अगर आपकी फैमिली अफोर्ड कर सकती है तो दो अटेम्प्ट है उसके बाद में अपने काम पे ध्यान देना है और इसको एज की तरह देखना है मतलब इसको साथ साथ में चलाना है ये नहीं कि अपने पांच साल या छह साल लाइफ के सारे यही निकाल दिए और सारा पैसा घर वालों का लगा दिया या उन्होंने खेत बेच दिया या लोन ले लिया ऐसी बहुत कहानियां मैंने सुनी है सर लोगों की और बहुत ही दर्द होता है ऐसी कहानियां देख करके ऐसे लोगों की जो कहानियां है वो उसको सुन करके बहुत ही बुरा लगता है